पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन वेणुं श्यामलोयं कुमारक वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्कलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदारि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन् सुखिनः। कौन सा पृष्ठ? 232। कहाँ से? आनंदगिरी। कहाँ से? शब्दोत्थम। अच्छा, यथा पक्ष। नारायण। यथा पक्षे प्राप्तस्य अवघातस्य व्रीहि न वहन्तीति नियमरूपो विधिरङ्गीकृतः तथात्मोपासनस्यापि पक्षे प्राप्तस्य तदेव कर्तव्यं नानात्मोपासनमिति। यो नियमस्तदर्थता प्रकृतवाक्यस्य इति न प्रक्रम विरोधोऽस्ति इत्यर्थः। अवघात धान है, अब प्रश्न उठता है कि उसके छिलके को हटा सकते हैं नाखून के द्वारा भी, तंदुर चावल की निष्पत्ति तो हो ही जाएगी, लेकिन नियम है कि उखल में डालकर मूसल के द्वारा ही अवघात करें। या वेदों की विशेषता है, अर्थात तंदुर की आवश्यकता है, परंतु नख के द्वारा छिलके को हटाकर भूसे को हटाकर चावल की प्राप्ति नहीं करेंगे, उखल में रखकर मूसल के अवघात से ही चावल की निष्पत्ति होगी। यह कहा अवघात से अवरीहीन अवहंति इति नियम रूपो विधि, या नियम रूप विधि है। 13वीं टिप्पणी, अवघाते नैव तुष्विमोकः कर्तव्यो नख विदलनादिना वित्त्याकारो विधि नियम। अर्थ मैंने पहले कह दिया, अवघात से ही तुष का विमोक कर्तव्य है, नख विदलनादि के द्वारा नहीं, किसी अन्य प्रकार से नहीं, अपूर्व ताकि तभी प्राप्ति होती है। जिस कार्य के संपादन के लिए जो विधि निर्दिष्ट है, उस कार्य का संपादन उस विधि का आलंबन लेकर करने पर ही अपूर्व की निष्पत्ति होती है, अर्थात स्वर्ग आदि फल की समुपलब्धि होती है, अन्यथा नहीं। यह अभिप्राय यथा पक्षे प्राप्तस्य अवघातस्य व्रीहि न वहन्तीति नियम रूपो विधि अंगीकृतः तथा आत्मोपासनस्यापि पक्षे प्राप्तस्य। आत्मा की उपासना करनी चाहिए, आत्मतत्व उपासितव्य है, आत्मा भी उपास्य है। यह अभिप्राय पक्ष में प्राप्त तदेव कर्तव्यम न अनात्मोपासनम इति। यो नियम, अनात्मा की उपासना न करके आत्मा की उपासना ही कर्तव्य है। तदर्थतया
तदर्थता प्रकृत वाक्यस्य इति प्रकृत मन प्राप्त संदर्भ में सुलभ। प्रकृत प्रकृति अलग है, प्रकृत प्रकृत का अर्थ होता है प्राप्त संदर्भ। वाक्यस्य इति न प्रक्रम विरोध होस्ति, यहाँ प्रक्रम का विरोध नहीं है, यह आनंद गिरी जी ने कहा। भाष्य दूसरी पंक्ति या दूसरे पैरा, यह उत्तम विज्ञान एक प्रज्ञा कुर्वीत, या उस तत्व को जानकर फिर प्रज्ञा कर्तव्य, प्रज्ञा कर्तव्य तद अनुकूल वृत्ति का प्रवाह कर्तव्य है, इत्यादि वचनानां वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेकेण उपासनार्थत्व इति। वाक्यार्थ का विज्ञान तो हो गया लेकिन उसी से काम नहीं चलेगा, उपासना भी आवश्यक है। सत्य में तत्किंतु न अपूर्व विधि विध्यर्थता पक्षे प्राप्त से नियमार्थता ही वह अपूर्व विधि नहीं है। क्यों? स्वर काम हो या जयता, यहाँ पर साध्य साधन भाव का विज्ञान शास्त्र के द्वारा ही संभव है। स्वर्ग हमारे लिए अपरोक्ष नहीं है, अब याग के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, याग साधन है स्वर्ग साध्य है, इस प्रकार का विज्ञान भी अपनी मेधा शक्ति के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए शास्त्र का आलंबन आवश्यक है। लेकिन आत्म तत्व तो नित्य अपरोक्ष है, अपरोक्ष की उपासना जो होती है उसके विधा प्रथा को ही जाती है, अपूर्व विधि नहीं है। नियमार्थता तैव, इसलिए नियम आत्मा की उपासना का अर्थ क्या है? आत्म तत्व तो साक्षात अपरोक्ष है ही, लेकिन अनात्म वस्तुओं के अनुरूप जो आत्म मान्यता का हो अनादिकाल से पाले हुए हैं, उस अनात्म मान्यता के निरसन के लिए आत्मा की उपासना कर्तव्य है। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्मान भव सुक्ष्म प्रकाश तब वह मूल भेद ब्रह्म नाशा। इसलिए अनात्मा की उपासना विहित नहीं है, आत्म तत्व की उपासना ही विहित है। संसार में लोग तो अनात्मा की उपासना करते हैं, अरबों व्यक्तियों में कोई आत्मा की उपासना करता है। अब पाक्षिकीं प्राप्तिम उक्तमाक्षिपति, उक्तमाक्षिपति पाक्षिकीं प्राप्तिम, पाक्षिकी जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है उसी प्रकार से किसी कार्य की निष्पत्ति में दो प्रकल्प हों तो एक प्रकल्प का नाम पाक्षिक हो जाता है। कथम इति, कथम पुनः उपासनस्य पक्ष प्राप्तिर्यावता पारिशेष्यात् आत्मविज्ञान स्मृति या संततिर नित्यैव इति अभिहितम्। भाष्य की पहली पंक्ति 233 पृष्ठ पर टिप्पणी, यथा पारिशेष्यात् आत्मविज्ञान स्मृति संततिर नित्यैव इति इत्यभिहितम्। अनात्म तत्व की उपासना नहीं करेंगे, अनात्माकार घटपटादि के आकार की वृत्ति नहीं बनेगी, उसको नहीं पालेंगे तो आत्मोपासना तो स्वतः सिद्ध है। केवल अनात्म तत्व के अनुशीलन से अनात्म तत्व के आकार में वृत्ति को परिणत करने से ही आत्मोपासना मानव विखंडित हो जाती है। आत्मोपासना स्वतः सिद्ध है, अनात्मा की उपासना का त्याग करने पर पारिशेष्य न्यास से आत्मोपासना की स्वतः सिद्धि हो जाती है। यह अभिप्राय नारायण पारिशेष्यात् पारिशेषण न्याय आत्मविज्ञान स्मृति संतति, आत्मतत्व का विज्ञान हुआ उसकी स्मृति की संतति, संतति माने प्रवाह, अजस्र
अखंड प्रवाह का नाम है संतति। संतति माने संतान, यहाँ पर संतति का अर्थ अजस्र प्रवाह। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंड, हमने कहा अखंड वृत्ति हो, विजातीय वस्तु का स्फुरन न हो, सजातीय वृत्ति का अखंड प्रवाह हो। उसमें जो चरम वृत्ति होती है फिर इतनी परिपुष्ट हो जाती है निधिध्यासन के फलस्वरूप, वह अज्ञानजन्य आवरण को भस्म कर देती है, विगलित कर देती है और अज्ञान के निवारण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग करने के लिए अनात्मा की उपासना भेद नहीं है बल्कि आत्म तत्व की उपासना भेद है। ठीक है, स्मृति संतति, स्मृति की संतति माने प्रवाह, ये अखंड प्रवाह। विजातीय भाव बीच में आवे तो धीरे धीरे उसका तिरस्कार करें, सजातीय वृत्ति का प्रवाह हो, अजस्र प्रवाह हो, बीच बीच में विजातीय वृत्ति आ जाती है तो इतना अभ्यास होना चाहिए कि सजातीय वृत्ति का अजस्र प्रवाह हो। उससे वृत्ति में क्या होती है, पुष्टता आती है, वो वृत्ति परिपुष्ट होकर के फिर अज्ञानकृत आवरण को भंग करने में समर्थ होती है। अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर देंगे तो आत्मानुरूप आत्मवृत्ति का प्रवाह जो स्वतः सिद्ध है उसकी अभिव्यक्ति स्फूर्ति होगी ही। का पारिशेष्यात् आत्मविज्ञान स्मृति संतति नित्यैवेत्यभिहितम्। यह बाढ़ ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर, बाढ़ माने ठीक कहा। यह दूसरी टिप्पणी सत्यम, बाढ़ माने सत्यम, जिसको बाढ़ कहते हैं संस्कृत में, दूसरा शब्द है सत्यम। टिप्पणी दो, यद्यप्येवं शरीरारंभकस्य कर्मणो नियत फलत्वात् सम्यक् ज्ञानं प्राप्तावश प्राप्तावप्यवशम् अवश्यं भाविनी प्रवृत्ति प्रवृत्ति वाङ्मनःकायानां। यद्यपि आपकी बात ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा है, यद्यप्येवं शरीरारंभकस्य कर्मणः, शरीर के जो आरंभक कर्म हैं जिन कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति पुनः उत्क्रमण या पुनर्जन्म प्राप्त करता है, देहांतर की प्राप्ति होती है, देहपात से ही कृतार्थता की संपलब्धि नहीं होती। शरीरारंभक कर्म, एक एक क्षण में व्यक्ति से इतना प्रमाद होता है कि 10-10 हजार जन्म को बटोर लेता है। काकभुशुंडी का प्रकरण है, शिवालय में थे, शिवलिंग की समर्चा कर रहे थे, कोई समाधि नहीं लगी थी, गुरुजी आए शिवलिंग का दर्शन करने, गुरुजी को देखा लेकिन उठ करके प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उपासना के समय हम बैठे हैं, कैसे खड़े हो जाएं गुरु आवे तो, गुरु तो अपने आप संकेत कर देते हैं बैठे रहो, लेकिन शिष्य का कर्तव्य है। तो गुरु जी तो समझ गए बच्चा है, भोला भाला है, गुरु जी को कुपित नहीं हुए, भगवान से नहीं रहा गया, भगवान से भी कुपित हो गए। तुम अजगर के समान बैठे रहे, आयुत जन्म तुम्हें अजगर के प्राप्त हों। आयुत का अर्थ होता है 10 हजार, बोलिए। एक क्षण के प्रमाद ने कितना जन्म दे दिया, एक अजगर की आयु कितनी होती होगी, तो आयु तो माने 10 हजार अजगर के। एक क्षण में व्यक्ति इतना पुण्य कर लेता है, हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रह सकता है, एक क्षण में इतना पाप कर लेता है, हजारों वर्षों तक इधर उधर भटक सकता है। यह विचित्र कहता है, यद्यप्येवं शरीरारंभकस्य कर्मणा, जो कर्म हैं शरीर के आरंभक होते हैं,
जन्म लिया है तो कुछ किए बिना नहीं रहेंगे, कुछ करेंगे तो फल भोगे बिना नहीं रहेंगे। एक व्यक्ति अपने एक जीवन में जितने शुभ अशुभ कर्मों का अनुष्ठान कर लेता है उसके वश की बात नहीं, उन सब कर्मों का फलोपभोग करके ही देह त्याग कर सके। क्या कहा पूना वाले? क्या नाम है? चैतन्य। चैतन्य तो ठीक है, बैठे बैठे। हाँ, एक मनुष्य एक ही जन्म में जितने शुभ अशुभ कर्म करे उसमें ऐसी योग्यता नहीं है कि सभी के हुए कर्मों का फल किसी जन्म में भोग। हाँ, एक व्यक्ति अपने एक जीवन में मनुष्य शरीर में रहकर जितने शुभ अशुभ कर्मों को कर लेता है उसके वश की बात नहीं, उन सब कर्मों का फल भोग सके उसी जीवन में। एक एक शुभ कर्म ऐसे होते हैं कि हजारों वर्षों तक स्वर्ग में टंगे रहो। औरों के लिए स्वर्ग अच्छा है लेकिन साधन पथ पर चलने वालों को अगर स्वर्ग मिला तो अभी तो प्रतिबंधक ही है ना। एक क्षण में इतना अशुभ हो जाता है कि हजारों वर्षों तक उसको उस अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए विविध प्रकार के शरीरों को प्राप्त करना पड़ता है। अगर कोई कल्पना कीजिए नया कर्म न करे तो भी संचित कर्म इतने हैं, दिव्य चक्षु के द्वारा देखें तो 1 अरब जन्म केवल संचित कर्म प्रारब्ध होकर फल देना प्रारंभ करें तो एक एक व्यक्ति के हो सकते हैं। केवल तत्वज्ञान में ही वह क्षमता है कि संचित कर्म में आग लगा दे ज्ञानाग्नि, और प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है तत्वज्ञों को भी, क्योंकि छोड़े हुए बाण आगे आवेगा। जो बाण छोड़ दिया वो भले ही गाय हो मनुष्य हो, धोखे में छूट गया हमने कुछ और समझा, वो तो लक्ष्य तक वहीं लक्ष्य तक पहुँचेगा ही। इसी प्रकार जिन कर्मों ने या जिस कर्म ने फल देना प्रारंभ किया है उस कर्म का नाम है प्रारब्ध। और तत्वज्ञान के बाद तो जो कर्म होते हैं वह कर्म हो जाते हैं। संचित कर्म में आग लग जाती है ज्ञानाग्नि, संचित कर्म को फिर फलीभूत नहीं होने देती। लेकिन जो कर्म प्रारब्ध है, जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया है, उनका तो भोग होना अनिवार्य है। प्रारब्ध माने जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया, अपने जन्मों में अनुष्ठित, अपने द्वारा पूर्व जन्मों में अनुष्ठित वे शुभ अशुभ कर्म जो कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक किए गए अंतर्यामी सर्वेश्वर की प्रेरणा से, उनमें से कुछ कर्म या जितने अंश कर्म का फल देना प्रारंभ कर देता है उतने अंश का नाम प्रारब्ध है। केवल तत्वज्ञान में वो क्षमता है कि संचित कर्म जल जाए, फल देने के लिए उन्मुख न हो, प्रारब्ध का फल भाव और आगामी कर्म जो हैं अकर्म हो जाते हैं। कर्मणि कर्म या पश्चेद कर्मण से कर्म या कर्म कब तक? जब तक कर्तृत्व बुद्धि, तब तक कर्तृत्व बुद्धि का अपनोदन होने पर फिर तत्वज्ञ के कर्म अकर्म हो जाते हैं। या यद्यपि एवं शरीरारंभकस्य कर्मणो नियत फलत्वात् सम्यक् ज्ञान प्राप्तावपि अवश्यं भाविनी प्रवृत्तिर्वाङ्मनःकायानां। यह कहा लेकिन जो प्रारब्ध है तत्वज्ञान हो जाने पर भी देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण की प्रवृत्ति तो होगी ही प्रारब्ध के फलस्वरूप। प्रारब्ध जो है वो देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण का नियामक बने बिना नहीं रहेगा। भाष्यकार ने कहा ही आगे है, लब्ध वृत्ते कर्मणो बलियस्त्वात्। जो लब्ध वृत्ति है प्रारब्ध जो फलीभूत होने लगता है वो बहुत इस प्रकार का कर्म बलवान होता है। मुक्तेश्वादी प्रवृत्तिवत जैसे इस माने वाण, धनुष से बाण को छोड़ दिया और बाण फिर लक्ष्य पर जाएगा ही, चाहे मनुष्य हो चाहे गाय हो चाहे व्याघ्र हो, वो तो जाएगा ही। इसी प्रकार छूटे हुए बाण के समान
जो प्रारब्ध अपना फल देना प्रारंभ कर चुके हैं या कर चुका है, उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे तत्वज्ञ क्यों ना हो। इसलिए पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी ने लिखा, विलुठन भूवि, प्रारब्ध के कारण अगर कोई इतनी पीड़ा का अनुभव कर रहा हा कहता है तो भी ज्ञान नष्ट नहीं होगा। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को बहुत वेदना थी, तो उन्हीं के जो बनाए गए ज्ञानी लोग थे वही लोग आलोचना करने लगे कि देखो गुरुजी तो कराते हैं, गुरुजी कराते हैं। मैं दर्शन करने के लिए गया, उरियावा जी का आश्रम में रहता था शंकराचार्य, उन दिनों में नहीं था, उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि दंडित स्वामी जी आप बताइए, मुझे जब बहुत कष्ट होता है कराता हूँ तो मेरा ज्ञान नष्ट हो जाता है क्या? आपने कहा नहीं, तो इन सबको कहिए। उन्हीं के शिष्य जो थे आलोचक बन गए थे, ज्ञान होता गुरु जी को तो कराते क्यों। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी ने लिखा, बिल्ठन भूवि, कराहता भी रहे तो तत्व ज्ञान जो है, जैसे सुसुप्ति से तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता, स्वप्नावस्था से तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से कदाचित देह में पीड़ा असह्य हो उस समय कोई कराह भी ले तो कराहने मात्र से तत्व ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती है। दीर्घ काल की विस्मृति नहीं चाहिए, लेकिन स्मृति या विस्मृति सापेक्ष तत्व ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो गया तो हो ही गया। लब्ध वृत्ते कर्मणो बल यस्त्वान मुक्तेस्वादि प्रवृत्तिवत तेन पक्षे प्राप्त ज्ञान प्रवृत्ति दौर्बल्यम। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, आनंद भी चल रहा है मालूम हो गया। यह तेन पक्षे प्राप्त ज्ञान प्रवृत्ति दौर्बल्यम, ज्ञान जो है क्या जड़ भरत थे या नहीं, जड़ थे या विवेकी थे? तो बहिर्मुख व्यक्ति हैं, उनकी दृष्टि से अपनी निष्ठा को छिपाने के जड़वत रहते थे, लेकिन साधक मिल गए रघुगण तो क्या पालकी में भी जोत दिया था ना अंत में, रघुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, नहीं जड़वत जड़ थे या जड़वत जड़वत ऐसा जड़वत आचरण। और कभी राजाधिराज भी जनक जी थे, जड़वत आचरण करते राज्य कैसे करते? तत्वज्ञों की भी रहनी में भी विलक्षणता होती है, कोई जड़वत रहते हैं बहिर्मुख व्यक्तियों की दृष्टि से अपने आप को ओझल करने के लिए जड़वत रहते हैं, कोई लोक संग्रह के लिए कर्तव्य न होने पर भी अप्रमत्तता पूर्वक व्यवहार करते हैं। यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रता, तत्वज्ञों की रहनी भी अलग अलग होती है, कई प्रकार की होती है। दसवीं कक्षा पास व्यक्ति है, कोई कल्पना कीजिए एमए पास है एमएससी पास है, सामने वाले से बातचीत में अनुमान लगा सकता है या नहीं कि हमारी श्रेणी का है या हमसे अवर है या हमसे ऊपर ज्ञान रखता है? साधक साधक के आकर्षण के किन तत्वज्ञ हो सकते हैं? भोगी विलासी नहीं। क्या साधक का जो चित्त है किसके ओर समाकृष्ट होगा? सिद्ध की ओर ही। साधक जो जिस भूमिका को पार कर चुका है उस भूमिका में रहने वाले, नीचे की भूमिका में रहने वाले की भी परख उसे होती है, समान भूमिका में रहने वाले की भी परख होती है। इस प्रकार से साधक को पता लग सकता है। क्यों? अब प्रश्न होता है कि गुरु शिष्य को ढूंढे या शिष्य गुरु को ढूंढे? गुरु मेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, चेला को ढूंढे। कभी कभी ऐसा भी होता है,
भगवान शंकराचार्य महाराज के पास परम पादाचार्य स्वयं पहुंच गए, बाकी जो शिष्य थे उनको ढूंढने के लिए यात्रा भी करनी पड़ी, कोई कहीं मिले तोटकाचार्य आदि, लेकिन परम पादाचार्य स्वयं पहुंच गए। कोई कोई गुरु के पास स्वयं पहुंच जाते हैं, किसी को गुरु स्वयं ढूंढ लेते हैं, तो जो साधन चतुष्ट संपन्न होगा, एक विचित्र बात है, विवेक वैराग्य सटक संपत्ति, मुख्या को छोड़ दें तो साधना त्रय हुए या नहीं, क्या क्या सटक संपत्ति, सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, छह प्रकार की दिव्यता से युक्त दिव्यता का नाम है सट संपत्ति। कौन कौन? सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, सट दमशील विरत बहुकर्मा, तुलसीदास जी ने सारांश लिखा। सम विवेक वैराग्य के गर्व से छह उपलब्धियां होती हैं जिनको कहते हैं सट संपत्ति, छह प्रकार की संपत्ति। सम माने मनोनिग्रह, दम माने इंद्रिय निग्रह, सम दम उपरत माने अनावश्यक कर्मों से उपरांता, तितिक्षा सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहने की क्षमता, उसमें समबुद्धि। सम दम प्रतिक्षा श्रद्धा, शास्त्र गुरु के वचन में गुरु गोविंद और ग्रंथ तीन में आस्था का नाम है श्रद्धा। सम दम प्रतिक्षा श्रद्धा समाधान, समाधान करते समाधि, समाधि बिल्कुल लगा लेंगे तो श्रवण कैसे होगा, अर्थात गुरु जो बात कहें उसमें मन की एकाग्रता, उसको समझने की क्षमता, समाधान का अर्थ यह हुआ। समाधान का अर्थ प्रकरण के अनुसार समाधि भी होता है, समाधान का अर्थ होता है तल्लीनता पूर्वक आस्था पूर्वक जो गुरु उपदेश कर रहे हैं या शास्त्र के वचन हैं उनमें समझने के लिए, क्या मन की एकाग्रता का नाम है समाधान। अन्य दर्शनों के अनुसार मुमुक्षा को छोड़ दें तो सम दम उपरत विवेक वैराग्य सटक संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति है वो जीवन मुक्त माना जाएगा या नहीं। तो वेदांत में फिर भी अगर मुमुक्षा नहीं है तो बद्ध माना जाएगा। अन्य दर्शन अन्य विद्यालयों से जो जीवन मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है वेदांत में वह भी बंधन को ही प्राप्त है। बहुत ऊंची बात है, गीता में भगवान ने क्या कहा, मृत्यु संसार सागरात, इन इन संपदाओं से युक्त व्यक्ति अगर किसी को कह दें, गीता में कहा गया ये सब, बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये सब इतनी संपत्ति अगर आगे की बात न कहें तो जीवन मुक्त के ही लक्षण सब उसमें सिद्ध होते हैं। पर भगवान ने क्या कहा, तेषा एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमह नाशयाम्य आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। और क्या, मृत्यु संसार सागर, भगवान के दृष्टि में इतना ऊंचा साधक भी मृत्यु संसार सागर में निमग्न है। गीता का पढ़ो भाई 12वें अध्याय, उससे पहले के वचन, ये तु सर्वाणी कर्वाणी मयि संन्यास मत परा अनन्येन वियोगेन माम ध्यान तु पासते। अन्य दर्शन के अनुसार तो सब वो सब जीवन मुक्त हो गया कृतार्थ, लेकिन भगवान का वचन है तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयाम्य आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, भगवान के दृष्टि में मृत्यु संसार सागर में वो भी पड़ा हुआ है। भगवान की दृष्टि प्रमाण होगी या नहीं। अर्जुन ने कह दिया था 11वें अध्याय 10वें अध्याय तक सुनने के बाद क्या कह दिया था, नष्ट कौन है, मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह जो है विगत हो गया। भगवान ने कहा मन में सोचा भी नहीं हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोहस्मृति लब्धा तो भगवान की वाणी बंद हो गई, अर्थात भगवान ने समझ लिया कि हाँ अब मोह नष्ट हुआ, नहीं तो अर्जुन क्या लिखा है, मोह यम विगतो मम,
अपनी दृष्टि से मोहमुख तो पहले ही हो गए थे, भगवान की दृष्टि भी मिल गई ना। नष्टो महस्मृति लब्धात्व प्रसादान मया च्युत। अच्युत शब्द का प्रयोग भगवद्गीता में 3 बार है, अर्जुन के द्वारा ही है। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। अच्युत सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युता। एक अर्जुन स्वचक्षु संपन्न और फिर दिव्य चक्षु संपन्न, एक ओथ वाप्य अच्युत। यहाँ पर दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, नष्टो मुहस्म त्रिलब्धा प्रसादान मयाच्युत, ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। कितने चक्षु होते हैं पूना वाले चैतन्य जी? 3 चक्षु। कौन कौन? स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। किसी स्त्री को जब माता समझते हैं तो तीनों चक्षुओं में तीनों का उपयोग होता है, किसी एक का या दो का? तीनों का। कैसे? स्वचक्षु से परंतु ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री में मातृबुद्धि होती है। किसी पुरुष को जब पिता समझते हैं तो तीनों चक्षु काम करें या नहीं? कौन कौन? ज्ञान चक्षु समन्वित, दिव्य चक्षु। हाँ, ज्ञान चक्षु सहकृत, दिव्य चक्षु समन्वित, स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पितृबुद्धि होती है। जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु की, सुसुप्ति में ज्ञान चक्षु की। बैठी इंदिरा जी के पिताजी एक वाक्य बोलते थे बहुत गंभीर, जय मंत मिश्र जी, मुझे इतना ज्ञान है कि मैं अज्ञान को जानता हूँ, तो सब हो गया या नहीं? वो कहते थे मुझे इतना ज्ञान है कि मैं अपने अज्ञान को जानता हूँ। अज्ञान का ज्ञान हुआ या नहीं? अज्ञान का ज्ञान हो गया तो सब कुछ हो गया। सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का ज्ञान होता है या नहीं? सुखम हम अस्वाप सम न किंचित अवैध सम मामप्य हम नाज्ञासी सम। नींद टूटने के बाद स्मृति होती है, परामर्श होता है। सुखम हम अस्वाप सम, मैं सुखपूर्वक सोया, न किंचित अवैध सम, मैंने कुछ नहीं जाना। मामप्य हम नाज्ञासी सम, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। अहम की प्रसुप्ति का द्योतक है स्मरण। सुसुप्ति में ज्ञान के विषय कौन कौन हुए कहो? ये मनमोहन जी प्रधानमंत्री, उसमें काम मिलेगा। अरे पहले ढूंढ रहे लिखा हुआ। सुसुप्ति में ज्ञान के विषय कौन कौन होते हैं? बैठिए। वो कर्नाटक वाले वहाँ से रहते, इनको देख के तो आप ही को पूछ। कर्नाटक वाले क्या नाम है? कौशिक। हाँ, फिर तो ठीक है। महाराष्ट्र के परंपरा से सप्रे सप्रे हैं। आगे हैं, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है भाई। सुख अज्ञान और अहम की सुसुप्ति, सुप्तावस्था को प्राप्त अज्ञान, सुख और अज्ञान दो जो हैं, अहमिति की विस्मृति रहती है। सुख और अज्ञान सुसुप्ति में ज्ञान के विषय होते हैं, सुसुप्ति में ज्ञान के विषय होते हैं सुख और अज्ञान। परामर्श माने स्मृति, नींद टूट जाने पर सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया, सुखानुभूति की स्मृति हुई या नहीं? सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम, मैंने कुछ नहीं जाना, तो अज्ञान का ज्ञान हुआ। मामप्यहम न ज्ञासिसम, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना, तो अहमर्थ की उस समय सुप्तावस्था का भी द्योतक है या परामर्श माने स्मरण। 3 वाक्य याद करने, कौन कौन? सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिसम मामप्यहम न ज्ञासिसम।
क्या कहा आप मनोहर जी बताओ प्रधानमंत्री, सुख महम स्वापसम, सुख महम स्वापसम, सुखम अहम अस्वाप, सुखम अहम अस्वापसम, न किंचित अवेदिशम, न किंचित, न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, मामप्यहम न ज्ञासिसम, मामप्यहम न ज्ञासिसम, जिह्वा को ऐसे करना बैठ, सुखम अहम अस्वापसम, न किंचित अवेदिशम, मामप्यहम न ज्ञासिसम, मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, यहाँ तक कि अहम को भी नहीं जाना, अहम ही सब प्रसुप्ते। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में कहा गया, अहम भी सो जाता है तब सुसुप्ति होती है, अहम अगर फुदकता रहे तो सुसुप्ति कैसे। इसलिए श्री वैष्णवाचार्य आदि इस पर ध्यान दें, क्या अहम सो जाता है तब सुसुप्ति होती है, अहम ही सब प्रसुप्ते, या कहाँ लिखा है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में, अहम ही सब प्रसुप्ते, अहम भी सो जाता है तब सुसुप्ति होती है। अहम का बाह्याभ्यंतर संसार जागृत है, अब अहम का अभ्यंतर संसार स्वप्न है, और बाह्याभ्यंतर संसार से रहित अहम सुसुप्ति है, बीजावस्थापन अहम सुसुप्ति है, यह सब। इस ढंग से पढ़ाने से क्या लाभ है, श्रोताओं को मन निधिध्यासन श्रवण काल में ही प्राप्त हो जाता है। अब आनंद गिरी में कौन सी पंक्ति थी, पाक्षिकिम हो गया, पाक्षिकिम प्राप्तिम उक्ताम आक्षिपति, पाक्षिकी एक पक्ष को लेकर जो बात कही गई उस पर आक्षेपति आक्षेप करते हैं, प्रश्न जर देते हैं, कथम मिति, भाष्य की पहली पंक्ति 233 पृष्ठ, कथम पुनः उपासनस्य पक्ष प्राप्ति यावता पारिशेष्यात् आत्मविज्ञान स्मृति, या ज्ञान प्राप्त हुआ फिर उसकी उपासना, उपासना माने अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के निरसन के लिए बार बार स्वयं स्मृति वृत्ति अखंडा पुनः पुनः आवृत्ति असकृत अभ्यास का पुनः अत्रानुपत्ति ही, इस संबंध में आखिर आपको आपत्ति क्या है, अनुपत्ति क्या है, पक्ष प्राप्त हो, ऐसा पक्ष अगर हम प्रस्तुत कर चुके हैं, ऐसा पक्ष जो हमने प्रस्तुत किया इसमें कोई आपत्ति है तो कहिए, यावदेति यावत, ये कहा भाष्य में, आत्मनि वाक्योत्थे विज्ञाने सत्यनात्म स्मृति हेतूनाम मिथ्या ज्ञानादीनाम अपनी तत्वात् हेत्वभावे फलाभाव, बहुत बढ़िया नियम, हेत्वभावे फलाभाव, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, हेतु के अभाव से फल का अभाव हो जाता है, यह भी नियम, हेत्वभावे फलाभाव, याद करने योग्य पंक्ति है आनंदगिरि जी, हेतु का अभाव हो जाने पर फल का अभाव हो जाता है, हेत्वभावे फलाभाव, आत्मनि वाक्योत्थ विज्ञाने, वाक्योत्थ विज्ञान माने वाक्य के द्वारा उत्थ माने प्राप्त अभिव्यक्त जो विज्ञान है, कौन सा, सत्यम ज्ञान मनंतमानंदम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, यह सब आत्मनि वाक्योत्थ विज्ञाने सत्य अनात्मस्मृति हेतु नाम मित, अनात्मस्मृति में जो हेतु है मिथ्या ज्ञानादि नाम, मिथ्या ज्ञान इत्यादि अनात्मस्मृति,
उसका निवारण हो जाने पर अपनी तत्वात अपनीत माने निराकरण हो जाने से हेतु का भाव हो गया तो फल का भाव हो ही जाता है। या आत्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर अनात्म प्रपंच पृथक से शेष रहता ही नहीं। आत्म तत्व के विज्ञान से अनात्म प्रपंच का बाधात्मक क्या अपलाप हो जाता है, बाध को क्या कहा, ना प्रतीतिस्तयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने क्या लिखा, ना प्रतीतिस्तयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। तयो माने जीव जगतो, जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है किंतु मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। अमनस्क दशा में भी अन्यों की विस्मृति हो जाती है, स्वप्नावस्था में स्थूल प्रपंच की विस्मृति हो जाती है, सुषुप्ति अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रपंच का भान नहीं होता, अप्रतीति से ही काम नहीं चलता। मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड, मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड में सर्पधारा माला इत्यादि भूषित इत्यादि का दर्शन नहीं होता। मान लीजिए रस्सी है, मंद अंधकार में सर्प बुद्धि हो गई रस्सी में, घन प्रकाश में भी नहीं होगी और घन अंधकार में भी नहीं होगी। मंद अंधकार में क्या हुआ, रज्जु खंड में रस्सी के खंड में सर्प बुद्धि हो गई। अब घना अंधकार हो गया तो सर्प बुद्धि नहीं होगी, तो सर्प की निवृत्ति हुई या सर्प का बाध हुआ, निवृत्ति हुई। बाध माने मिथ्यात्व निश्चय, निवृत्ति अलग चीज़ है, बाध अलग चीज़ है। बाधोत्तर निवृत्ति सोने में सुगंध, क्या बाधोत्तर निवृत्ति, सत्वापत्ति असम शक्ति पदार्थ भावना तुल्यगा, ये सब ज्ञान निष्ठा है। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, उससे पहले अज्ञान आवरण विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर शोकापगम, फिर निरंकुशा तृप्ति। शोकापगम शोक का निवारण, फिर निरंकुशा तृप्ति। मक्खी मच्छर ऐसे बड़े हठीले होते हैं, चींटी जिनको भगा वही आए, ये सब हठयोगी है। कौन कौन, चींटी मक्खी मच्छर ये सब हठयोगी है। मक्खी की क्या विशेषता है, चंदन पे भी जाने में उसे परहेज नहीं है, मलमूत्र पे भी जाने पर उसे परहेज नहीं है। मक्खी मार का व्यक्ति कौन होगा बोल, वो बता कर्नाटक वाले नहीं बता पाओ, ये कोई मक्खी मार का व्यक्ति, मक्खी के डंग का व्यक्ति कौन, मक्खी को चंदन से परहेज है क्या, और विष्ठा से तो मक्खी मार का व्यक्ति कौन हुआ। सिनेमा भी चला जाए, सत्य भवन में याद है, कोई परहेज नहीं क्या, मक्खी मार का व्यक्ति कौन हुआ, न इधर से परहेज न उधर से परहेज। एक था अब कहीं महंत हो गया है, मध्य प्रदेश का अयोध्या में कोई महंत हो गया, नहीं मिलता जी, सुना है महंत हो गया तब से नहीं मिलता। तब वो ट्रेन में था तो मुर्गी अंडे और क्या चाट हो, तो उसने कहा तेरा मुर्गी अंडे खिसका के बाकी चीज़ हमको दे दो। ऐसा ही था, खा लिया उसने मुर्गी अंडे का थोड़ा खिसका दो। नाम में भूल गया, अब महंत हो गया सुना, जब हमसे पढ़ता भी था, जब से महंत हो गया तब से मिलता नहीं। बैठिए, हाँ क्या कहा, आत्मन चिदाभास की अवस्थाएं है ना, कौन हाँ चिदाभास की अवस्था है, लेकिन अज्ञान और आवरण चिदाभास के पूर्व की स्थिति, उसमें पंचदशी में आया चिदाभास की अभिव्यक्ति ही नहीं हुई है तो उससे पूर्व की अवस्था चिदाभास की अवस्था कैसे माने, ये बहुत गंभीर प्रश्न है, इसका उत्तर दिया गया।
अज्ञान, फिर आवरण, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर शोकापगम, फिर निरंकुशा तृप्ति, चिदाभास की अवस्थाएं हैं। आत्मा अवस्थाओं से विनिर्मुक्त है। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, चिदाभास, विक्षेप कोटि प्रविष्ट पदार्थ, विक्षेप कोटि प्रविष्ट, शिष्य कोटि प्रविष्ट जानते। एक बार द्वारका के पूर्व शंकराचार्य, वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के सहपाठी थे। द्वारका के अभी जो शंकराचार्य, इनके पूर्व के पूर्व शंकराचार्य, तो बद्रीनाथ से आ रहे थे। उनकी कार खराब हो गई। स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी आ रहे थे। उन्होंने अपने कार में बैठा लिया अपने साथ, इनकी कार खराब है। अब वो जहाँ तक जोशी मठ से ऋषिकेश तक ले आए। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उस समय के जो द्वारका के शंकराचार्य थे, उनका पत्र आया, शिष्य कोटि प्रविष्ट अखंडानंद सरस्वती। अब अखंडानंद महाराज किसी ब्रह्मा भी आ जाए तो गुरु मानने उनको बड़ा कठिन काम। उन्होंने कहा, देखो मैंने अपने साथ बैठा के यात्रा करवाई, शिष्य कोटि प्रविष्ट कैसे हो गया? बड़ी सभा में कहा, जब मेरे पत्र आया शिष्य कोटि प्रविष्ट अखंडानंद, मैं उनका शिष्य कैसे हो गया? उस गुरुदेव कई चरण पकड़ को बैठते थे अखंडानंद, और तो किसी को मानने वाले नहीं थे। उस गुरुदेव को इतना गुरु भाई होने पर भी इतना सम्मान देते थे, महाराज के चरण पकड़ के नीचे बस शिष्य कोटि प्रविष्ट। क्या कौन रहे, कौन कोटि हम कह रहे थे, विक्षेप के लिए कह रहे थे। हाँ, चिदाभास की भूमिका है कौन कौन, अज्ञान और आवरण, चिदाभास विक्षेप कोटि का पदार्थ। यह अज्ञान, आवरण, विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान होता है, फिर अपरोक्ष ज्ञान होता है, फिर शोकापगम होता है, शोक का निवारण, फिर निरंकुशा तृप्ति होती है। ये सब चिदाभास की अवस्थाएं हैं। यद्यपि विक्षेप कोटि प्रविष्ट है चिदाभास, तो उससे पूर्व की अवस्था चिदाभास की अवस्था नहीं मानी जा सकती, लेकिन बड़ी विकट स्थिति है। गोमती पुरानी नदी है या गंगा? अच्छा, तो हैं, लेकिन लय किसका हुआ? गंगा का लय माना जाएगा गोमती में, गोमती का लय माना जाएगा गंगा में? गोमती का गंगा, तो होना क्या चाहिए, गंगा का गोमती। पुरानी नदी कौन है? मन शत्रुपा के समय भी थे ना, गए नहावन गोमती तीरा। मन शत्रुपा के समय भी गोमती थी, बाद में भरतीहट, वो कौन थे, हाँ भागीरथ, भागीरथ गंगा जी लाए। तो गोमती तो पुरानी नदी है, पुरानी होने पर भी लय किस पे माना जाता है? गोमती में गंगा का लय माना जाता है या गंगा में गोमती का लय? हुआ है ना लखनऊ के आगे, गंगा जी में गोमती समा गई, लेकिन गंगा नाम हो गया, गोमती नाम गंगा का नहीं हुआ। तो जो प्रबल होता है बाद में भी कहीं जन्मे तो भी पहले वाले का गुरु ही बन जाता है। यही हुआ, गंगा का लय गोमती में नहीं माना जाता, गोमती का लय ही गंगा में माना जाता है। यद्यपि गंगा त्रिपदगा होने पर भी अभिव्यक्ति के दृष्टि से गंगा अर्वाचीन है, गोमती प्राचीन है। गोमती गंगा का लय कौन सा, कहाँ स्थान है? ये लखनऊ के आगे है कहीं, गोमती नदी मिलती है गंगा, लखनऊ तक तो है गोमती, उसके आगे कहीं है। हाँ जी, क्या इसका तो दृष्टांत हुआ? दृष्टांत में क्या हुआ, वो विक्षेप जो है, वो चिदाभास जो है विक्षेप कोटि का है, तो उसके पहले अविद्या और आवरण जो है वो उसकी अवस्था कैसे हो सकते हैं, जो पूर्व सिद्ध है? पंचदशी कार ने यह प्रश्न उठाया,
इसका उत्तर क्या है, यही ना। तो चिदाभास की अवस्था नहीं तो फिर पारिशन्य ऐसे किसकी अवस्था माननी पड़ेगी, आत्मा की। तो आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती, इसलिए अंत में फल बल कल्प है कि चिदाभास की अवस्था अज्ञान और आवरण। पूर्व सिद्ध भी उत्तर सिद्ध की अवस्था हो सकती है, ये विचित्र उदाहरण है। पूर्व सिद्ध भी उत्तर सिद्ध की अवस्था हो सकती है। सामान्य नियम तो यह है कि अर्थी पर पड़ती मेघडम्बर पर छाया, बाप रहती पेट में तो पूत गलखिन गाया। क्या हुआ झाजी अर्थ? अर्थी पर पड़ती मेघडम्बर पर छाया, बाप रहती पेट में तो पूत गलखिन गाया। ये सुना होगा। हाँ कहाँ 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 यहाँ कहीं सुनिए, मैं मैथिली में बोल रहे। अर्थी पर पड़ती मेघडम्बर पर छाया, बाप रहती पेट में तो पूत गलखिन गाया। सुने नहीं होगा बैठिए। बांग जानते हैं जी? बांग कपास का नाम मैथिली में। अर्थी पर पड़ती मेघडम्बर पर छाया, बाप रहती पेट में तो पूत गलखिन गाया। बांग कपास का जो वो अलग, वो अलग मेघडम्बर अलग है। वो तो मेघडम्बर पर छाया, उल्टा उल्टा मेघडम्बर छाया, मेघडम्बर के नीचे या मेघडम्बर के ऊपर। हाँ अर्थी पर पड़ती, अर्थी पड़ती जानते हैं ना, भूमि के भेद हैं। अर्थी पर पड़ती मेघडम्बर पर छाया, बाप रहतीन पेट में तो पूत गलखिन गाया। गया बैठ कपास में, और वो जो होता है कौन, सेमल। फल की आकृति पहले होती है फूल बात में, इसलिए कपास और वो जो सेमल का पेड़ होता है फल, फल पहले होता है फूल बाद में, इसी का नाम है कपास। कपास जानते हैं, बांग मैथिली में कपास को क्या बोलेंगे, बांग। चलो ये हो गया। का पुनः अत्र अनुपत्ति या आत्मन वाक्योत्थे विज्ञान सत्य अनात्म स्मृति हेतु नाम मिथ्या ज्ञान आदि नाम अपनी तत्वात हेतु भावे फलाभाव इति न्यायेन तासाम असंभवात आत्मस्मृति संतति रे पुनः सदा स्यात् प्रकारांतरया प्रकारांतरा योगात इति सिद्धांतिनो सिद्धांतिनोक्तत्वात् नात्मोपासनस्य पक्षे प्राप्ति इत्यर्थः। यह न आत्मोपासनस्य पक्षे प्राप्ति इत्यर्थ। अनात्मा की उपासना का त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे तो पारिशेष्य न्याय से क्या होगा, आत्मोपासना ही सिद्ध होगी, अभिव्यक्त होगी। सर्दी लग रही है, कपड़े अपड़े हैं या नहीं? अनात्मा की आत्मोपासना जो है स्वतः सिद्ध है। वृत्ति अनात्माकार होती है, आत्माकार वृत्ति तो स्वतः सिद्ध है। क्या आत्माकार वृत्ति स्वतः सिद्ध है? अनात्माकार वृत्ति का अपनोदन हो जाने पर आत्माकार वृत्ति स्वतः स्फूर्तित होती है, वृत्ति रहेगी, वृत्ति रहेगी। और अनात्म वस्तु का चिंतन नहीं होगा तो किसके आकार का होकर रहेगी वृत्ति? आत्माकार होकर ही रहेगी। ऐसा आत्मनि वाक्योत्थे विज्ञाने, अंतःकरण में जब वाक्योत्थक विज्ञान उत्पन्न होता है, वाक्योत्थक विज्ञान माने सत्यम ज्ञानमनंतम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, यह सब दो प्रकार के वाक्य हुए। तटस्थ रूप से आत्मा का ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य, और आत्मा और ब्रह्म की यही एकता को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य, छोटे भले ही हों लेकिन उनका नाम है महावाक्य। तात्पर्य का अभिव्यंजक वाक्य भले ही छोटा हो, नाम क्या होगा,
महावाक्य 50 पृष्ठों में कोई सामग्री हो, लेकिन महावाक्य उन वाक्यों का नाम तब तक नहीं होगा जब तक तात्पर्य को व्यक्त न करें। ऐसे महापुरुष कौन होगा, आयु में छोटा भी हो तो महापुरुष होगा या नहीं, ज्ञान विज्ञान के बल पर। इसी प्रकार छोटे छोटे वाक्य तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्मम, लेकिन इनका नाम हो गया महावाक्य। और विस्तृत वाक्य होने पर भी सत्यम ज्ञानमनंतम आनंदम ब्रह्म सच्चिदानंदम अत्रम, ये महावाक्य नहीं हुए। तो तात्पर्य का भी व्यंजक जो वाक्य होता है, सत्संगे के दोहरे और नाभिक के तीर, देखन में छोटो लगे भाव करे गंभीर, क्या कहा। सत्संगे के दोहरे, सत्संगे कौन कवि थे, उन्होंने लिखा सत्संगे के दोहरे और नाभिक के तीर, नाभिक मछुआरे के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। सत्संगे के दोहरे और नाभिक के तीर, देखन में छोटो लगे भाव करे गंभीर। ऐसे ही देखने में छोटा वाक्य है, लेकिन तात्पर्य का अभिव्यंजक होने के कारण महावाक्य है। कौन, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि। सत्संगे कौन थे, बिहारी कवि, बिहारी कवि के 702। सत्संगे के दोहरे और नाभिक के तीर, देखन में छोटो लगे भाव करे गंभीर। ऐसे ही महावाक्य छोटे छोटे शब्द मिलकर के महावाक्य हो गया, क्योंकि तात्पर्यार्थ का भी व्यंजक वाक्य होगा। महावाक्य लिखने में छोटा ही क्यों ना हो। रामचरितमानस के अनुसार क्या कहेंगे, तेजवंत लघु गिनिय न रानी, तेजवंत लघु गिनिय न रानी। क्या बड़े बड़े योद्धा लंबे चौड़े सब धनुष को उठाने में भी सफल नहीं हुए। अंत में विश्वामित्र ने कहा, बा उठो राम जी। तो फिर वो जो थी सीता जी की माता सुनैना जी को हुआ, बड़े बड़े योद्धा मोटे तगड़े सब असफल हो गए। तो फिर सहेलियों ने बताया, तेजवंत लघु गिनिय न रानी, तेजस्वी को लघु नहीं समझना चाहिए, भले ये छोटे छोटे राजकुमार हैं, छोटी अवस्था वाले। लक्ष्मण जी तरक पड़े, तोरे बिना नहीं रहूँगा। विश्वामित्र जी ने कहा, तुम्हारा विवाह नहीं होना उससे, इनका होना, तुम चुप रहो। तेजवंत लघु गिनिय न रानी, ठीक है हे रानी, तेजवंत तेजस्वी को लघु नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटे वाक्य के द्वारा भी अगर तात्पर्यार्थ की अभिव्यक्ति होती है, तो उस वाक्य का नाम क्या हो जाएगा, महावाक्य। ऐसे ही महापुरुष छोटी आयु का भी कोई क्यों ना हो। या पूछे उज्जैन में पिछले वर्ष गीता जयंती पर आपसे से पहले काल पर प्रवचन में बोला उस वाक्य हमने आपसे के आने से पहले किसने आपने हाँ, अच्छा तो उसमें हमने कहा कि समष्टि तादात्म्यापत्ति संपन्न जो होगा वही महापुरुष होगा, भगवान ही सबसे श्रेष्ठ महापुरुष है। तो आपने बताया कि प्रकृति को ही पुरुष के दो ही भाग किए गए, क्षर पुरुष क्षरक्षर ए वचन। तो समष्टि तादात्म्यापत्ति संपन्न को महापुरुष कह सकते, जैसे कि आप नहीं मैं उदाहरण कहा ढूंढ रहे उदाहरण तो आप से नहीं, आप हो फिर तो कहिए आप सर्विस कहाँ ढूंढो जाइए। ठीक, समष्टि तादात्म्यपन्न आत्मनि वाक्योत्थे विज्ञाने सत्यनात्म स्मृति हेतु नाम मिथ्या ज्ञानादि नाम अपनी तत्वात्। आत्मा में वाक्योत्थ ज्ञान, अंतःकरण में जब वाक्योत्थ वाक्य से उत्थ
उत्पन्न अभिव्यक्त विज्ञान हो जाता है। अनात्मस्मृति हेतु न मिथ्या ज्ञानादि नाम, अनात्मस्मृति में हेतु है मिथ्या ज्ञानादि, आत्मस्मृति स्वभाव सिद्ध है। अनात्मस्मृति जो है उसका मूल कारण है मिथ्या ज्ञान इत्यादि। मिथ्या ज्ञान अज्ञान का कार्य फिर हो जाएगा मिथ्या ज्ञान। यह हुआ मिथ्या ज्ञान का अपनोदन हो जाने पर आत्मस्मृति की अजस अभिव्यक्ति स्वतः सिद्ध है। अर्थात आत्मस्मृति तो रहती है, अनात्मस्मृति के कारण वह तिरोहित सी हो जाती है। अनात्मस्मृति का निरसन कर देने पर, निराकरण कर देने पर स्वतः सिद्ध आत्मस्थिति की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति हो जाती है। अभिप्रेत ये सब घटा में तो सबसे व्यक्ति कितना ऊंचा वैज्ञानिक हो सकता है, व्यवहार में दक्ष हो सकता है। अब क्या है, लोगों के हो गए दार्शनिक हैं तो बुद्धू होंगे ही विपरीत स्थिति हो गई ना। वो कौशलेंद्र पांडे जी दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं ना बनवारा डिग्री कॉलेज में, वो कहते थे महाराज घर वाले भी कहते दर्शन के अध्यापक रहे हैं ना तो बुद्धू होंगे ही, घर वाले भी कोई खास नहीं गिनते हमको उल्टी बात हो गई ना उसमें विषय मैं बोल रहा था कि पुरुष की ही कहा आप श्री ने बाद में कहा था कि प्रकृति को भी वहाँ पर पुरुष तो समष्टि क्षर अक्षर पुरुष हो गए, परापरा प्रकृति हो गई। क्या परापरा अपरा प्रकृति हो गई, प्रकृति हो गई, यहाँ पुरुष हो गए क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम हो गए। तो क्षर अक्षर को पुरुष भी कह दिया, उधर प्रकृति भी कह दिया। किसको परा प्रकृति जीव भूता महाबाहो या एकदम धारित्य जगत, प्रकृति का अनुसरण करने के कारण जीव को भी भगवान ने प्रकृति कह दिया। और प्रकृति भगवान का भी नाम है। कहाँ प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् प्रकृति माने उपादान। भगवान को भी प्रकृति कह सकते हैं, जीव को भी प्रकृति कह सकते हैं, जगत और क्षर पुरुष को भी प्रकृति कह सकते हैं। भगवान को प्रकृति कहने की क्या आवश्यकता हुई, प्रकृतिश्च ब्रह्मसूत्र उपादान कारण, जगत के विवर्तोपादान कारण होने के कारण भगवान का नाम प्रकृति है। जीव भूताम परा जीव भूताम तो जीव का भी नाम प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति का नाम भी प्रकृति है। तो जड़ है न, जड़ चेतन सब का नाम प्रकृति, विवक्षावसात पुरुष को भी प्रकृति कह सकते हैं या नहीं, ऐसा ही है। एक थे बहुत बड़े पंडित आर्य समाजी से सनातनी हुए थे, शास्त्रार्थ में एक जगह हार जाने का बुलंदसर जिला के थे और उनको सुखबोध आश्रम जी बहुत मानते थे। वो गए स्वर्ग आश्रम में, हनुमान प्रसाद पोद्दार बैठे थे। पोद्दार जी मैं आप बताइए कि ईश्वर का खंडन करूँ या मंडन, मुझे कुछ नहीं लगता दोनों। हाँ जो महाराज मंडन ही कीजिए खंडन मत कीजिए पंडितों के, मैं अब ईश्वर का खंडन करूँ या मंडन। पोद्दार जी ने कहा महाराज खंडन आप करेंगे तो खंडन के ही पक्षधर हो जाएंगे, मंडन ही करें तो अच्छा। ऐसा ऐसे ही भगवान को प्रकृति कह देंगे, कहेंगे या नहीं। जगत प्रकृति का कार्य होने के कारण प्रकृति है, प्रकृति के कार्य को भी प्रकृति कहते हैं और प्रकृति के उपादान कारण को प्रकृति कहते हैं। और भगवान प्रकृति हैं विवर्तोपादान होने के कारण, माया प्रकृति है परिणामोपादान होने के कारण प्रकृति का, और जीव है प्रकृति के वश में होने के कारण जीव भी प्रकृति है। विवक्षावसात सबको प्रकृति कह सकते हैं। जगत है प्रकृति का कार्य होने के कारण वो भी प्रकृति है, प्रकृति के कार्य को भी प्रकृति कहते हैं। विवक्षावसात आत्मनिवाक्योत्थे विज्ञाने सत्य अनात्मस्मृति हेतूनाम
मिथ्या ज्ञान आदि नाम अपनी तत्वात मिथ्या ज्ञान आदि का अपन उदन हो जाने पर अनात्मा में जो अनात्मा स्मृति का अपलाप हो जाता है तो आत्मा स्मृति की स्वतः सिद्धि स्वतः सिद्ध अभिव्यक्ति हो जाती है। यह अभिप्राय है अनात्माकार वृत्ति भंग हो गई तो आत्माकार वृत्ति स्वतः सिद्ध होगी। इसलिए कहा क्या मुक्तिहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही अन्यथा रूप का त्याग कर देंगे तो स्वरूप स्थिति सिद्ध ही है। ऐसा आत्मनि वाक्योत्थ विज्ञाने वाक्योत्थ विज्ञान का अर्थ हुआ तत्वमसि आदि वाक्यों से प्राप्त जो विज्ञान है। सति अनात्मत्व स्मृति हेतु नाम मिथ्या ज्ञान आदि नाम अपनी तत्वात अनात्म स्मृति में हेतु जो मिथ्या ज्ञान आदि मिथ्या ज्ञान आदि का मिथ्या ज्ञान आदि इनका अपनोदन दसवीं टिप्पणी आदि न राग द्वेष आदि बहुत बढ़िया लिख अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अविद्या यहाँ पर मूला विद्या का नाम अविद्या नहीं है अविद्या फिर अस्मिता फिर राग फिर द्वेष फिर अभिनिवेश। भक्ति प्रस्थान की क्या विशेषता है भृगु जी भक्ति प्रस्थान की क्या विशेषता है अविद्या अस्मिता राग तीनों का क्लिष्ट उपयोग अविद्या विशिष्ट प्रेम का नाम वात्सल्य रस हो जाता है। छी छी कहती है ना यशोदा करदम वेष्टित गोबर आदि से कीचड़ आदि से नहा लिया छी छी सुअर कहेंगे ये क्या हुआ अविद्या प्रीत विशिष्ट वात्सल्य रस का नाम अविद्या अविद्या का उपयोग अक्लिष्ट ये सब वाक्य हमारे बनाए हुए इसलिए अर्थ हम ही करेंगे तो लगेगा। प्रीत विशिष्ट अविद्या प्रीत विशिष्ट वात्सल्य रस का नाम अविद्या अविद्या का क्लिष्ट हो गया उपयोग किसमें भक्ति में अस्मिता अहमिति बुद्धि मधुरीपुर अहमिति भावनशीला अस्मिता का उपयोग हो गया ना अच्छा कृष्णो हम अस्मिता का उपयोग हो गया तो भक्ति राग भगवान रागास्पद हो गए तो मारक भाव जो है अविद्या अस्मिता राग भक्ति की क्या विशेषता अगर भगवान सगुण साकार ना हो तो अविद्या अस्मिता राग ये तारक न हो करके मारक ही सिद्ध हो जाए। कहो मनोहर जी टंग तो नहीं होते भगवान यदि सगुण साकार न हो तो अविद्या आदि जो है अविद्या आदि के वो पिंड छुड़ा लिया बच्चा तू है अविद्या अस्मिता राग ये जो मारक भाव हैं ये तारक न हो भक्ति की विशेषता क्या सगुण साकार बैठिए अक्लिष्ट उपयोग प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति चित्तवृत्ति के पांच प्रभेद हैं दोनों का क्लिष्ट और अक्लिष्ट उपयोग हो सकता है। योग दर्शन के अनुसार जगत सत्य है मिथ्या नहीं विपर्याय हुआ जगत को मिथ्या कहना लेकिन जगत को मिथ्या कह कर के अगर किसी को वैराग्य हो जाता है तो विपर्यय का अक्लिष्ट उपयोग हो गया। ऐसे ही कहा गया अविद्या अस्मिता राग का अक्लिष्ट उपयोग भक्ति में है। अब रह गया कि द्वेष और अभिनिवेश तो वैर भाव वहीं सुम रही निश्चल न तथा भक्ति योगे न नारद जी ने कहा भगवान में भक्ति या राग से भी उतना चित्त एकाग्र नहीं होता जितना कि द्वेष से। अगर राग नहीं कर सकते द्वेष करो भगवान से
द्वेष जिसके प्रति द्वेष हो जाता है सर्वथा चित्तवृत्ति उसी में अभिनिविष्ट हो जाती है, न तथा भक्ति योगे न। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध है, तो क्या हुआ, भगवान सगुण साकार न हो तो क्या क्या हुआ, अविद्या तारिका न बन जाए, अस्मिता तारिका न बन जाए, राग तारक न बन जाए, न बन सके, द्वेष भी तारक न बन सके, और अभिनिवेश अभिनिवेश ममतास्पद में अहमता जाकर चिपक जाए, अविस्वंग अभिनिवेश, अभिनिवेश से तो जल्दी कल्याण हो जाएगा, अभिनिवेश भी तारक बन जाए, द्वेष भी तारक बन जाए, राग भी तारक बन जाए, अस्मिता भी तारक बन जाए, अविद्या भी तारक बन जाए, मारिका को तारिका बना देगा, ये भक्ति की विशेषता हुई है नहीं, आज समाजी तो नहीं कर सकते ना, उनसे कहा जाए कि भगवान के अवतार का खंडन करते हो, अवतार का खंडन क्या हो सकता है क्या, भगवान श्री कृष्ण को आज समाज के अनुसार क्या कहेंगे, मुक्त जीव का अवतार, भगवान श्री कृष्ण को आज समाजियों ने क्या माना, दयानंद स्वामी ने, मुक्त जीव का अवतार, ईश्वर का अवतार उनके यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि जिनका ईश्वर केवल निमित्त कारण होता है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं होता, चाहे वैशेषिक हों, चाहे नैयायिक हों, चाहे आर्य समाजी हों, चाहे शेष्वर संख्यवादी योगी हों, उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता है, लेकिन मुक्त जीव का अवतार आर्य समाज के अनुसार श्री कृष्ण सिद्ध होते हैं अवतार। दूसरी बात यह है कि आज समाजियों के यहाँ भगवान सगुण निराकार हैं या सगुण साकार हैं या निर्गुण निराकार, कौन सगुण निराकार कौन कह रहे हैं, हाँ ठीक 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 कहा, सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार, तो एक विचित्र बात है, सगुण कहने पे अवतार सिद्ध हुआ या नहीं, जब निराकार का साकार होना अवतार है तो निर्गुण का सगुण होना अवतार हुआ या नहीं, जो ईश्वर को निर्गुण न मान के सगुण मानते हैं अवतारवादी हुए या नहीं, निर्गुण ही ना हो तो सगुण कहाँ से होगा, निराकार ना हो तो साकार कहाँ से होगा, निराकार का साकार होना न मानो लेकिन जब आप अपने ईश्वर को सगुण मानते हैं तो फिर क्या होगा, मूल में तो निर्गुण होगा ही, नहीं तो जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम, जन्मशील के मूल में जन्मशील मानेंगे तो अंत में क्या हो जाएगा, आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रक अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी, और जन्मशील के मूल में जन्मशील नहीं मानेंगे तो बदतो व्याघात, जन्मशील के मूल में अज मान लेंगे तो बदतो व्याघात, और जन्मशील के मूल में जन्मशील ही मानते रहेंगे तो आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रक अनवस्था, दो वस्तुओं में अगर साम्य हो जाए तो एक दूसरे के आश्रित हो तो आत्माश्रय होगा, आत्माश्रय दोष हो गया, अन्योन्याश्रय अबह के आश्रित है, बह के आश्रित है तो अन्योन्याश्रय, और चक्र तीन को लेकर चक्र अबह के ब स के फिर स और अ बराबर, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी और ए बराबर, तो क्या हो गया अनवस्था, कोई दूसरे के बराबर ही नहीं है, चलते चलो तो कहीं अंत ही नहीं होगा, इसलिए ये सब दोष हैं। आत्मनि वाक्योत्थे विज्ञानी सत्यनात्म स्मृति हेतु नाम मिथ्या ज्ञान आदि नाम अपनी तत्व, आत्मा में वाक्योत्थ ज्ञान के प्रभाव से अनात्म स्मृति
की निवृत्ति हो जाती है, मिथ्या ज्ञान आदि का निवारण हो जाने के कारण बस आत्मस्मृति तो स्वभाव सिद्ध है। मिथ्या ज्ञान का प्रबोधन ही अपेक्षित है। मिथ्या ज्ञान का प्रबोधन होने पर स्वतः सिद्ध जो आत्मस्मृति है उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब स्मृति जो होती है पूर्वानुभूत की होती है ना, स्मृति किसकी होगी? पूर्वानुभूत की स्मृति होती है। तो यहाँ पर भी स्मृति शब्द का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है इसको लेने की आवश्यकता। स्वयं देवदत्ता फलाभाव इति न्यायेन तासाम असंभवात आत्मस्मृति संतति रे पुनः सदा स्यात्। इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान का प्रबोधन हो जाने पर अनात्म वस्तुओं की स्मृति का भी प्रबोधन हो जाता है। फलवल कल्प है कि सदा आत्मस्मृति ही रहती है, आत्मस्मृति कर्तव्य नहीं है। आत्मस्मृति की संतति माने प्रवाह तो स्वतः सिद्ध है, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता के कारण ही आत्मस्मृति की संतति का अवरोध माना जाता है। पुनः सदा स्यात् प्रकारांतरायोगात इति सिद्धांतिनोक्तत्वात् नात्मोपासनस्य पक्षे प्राप्ति ही। इस प्रकार न आत्मा उपासनस्य पक्षे प्राप्ति, आत्मा की उपासना पक्ष में प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अनात्म वस्तु की उपासना छोड़ दें, अनात्म स्मृति का प्रबोधन कर दें तो आत्मस्मृति जो स्वतः सिद्ध है उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। क्या लोटा को कर दिया तो लोटा को प्राप्त करने के लिए इसका प्रबोधन आवश्यक है या लोटा ढूंढने की आवश्यकता? ये हो गया, इसका प्रबोधन करते ही लोटे की प्राप्ति हो गई या नहीं। इसलिए अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर दिया, अनात्मस्मृति का प्रबोधन हो गया तो आत्मस्मृति तो स्वतः सिद्ध है या नहीं है। हो गया हाँ। न आत्मोपासना से पक्षे प्राप्ति, पक्ष में आत्मा की उपासना नहीं प्राप्त, अर्थात आत्मोपासना आत्मा की उपासना स्वतः सिद्ध है। अनात्म वस्तु की उपासना का त्याग कर देने पर स्वतः सिद्ध जो आत्मा की उपासना है उसकी स्फूर्ति अभिव्यक्ति हो जाती है। तस्य नित्य प्राप्ति मुक्ता मंगी करोति, वह तो नित्य ही प्राप्त है। कौन? आत्मस्मृति। इसी को स्वीकार करते बाढ़ इति, बाढ़ मन ठीक का सत्य है आप जो कह रहे हो। तर ही नियम विधि वाचोक्ति ही अयुक्त इत्यासंख्या यद्यपि थी। फिर नियम विधि क्या है? आत्मा की उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार की नियम विधि का क्या राग हुआ इसका अभिप्राय अभी आऊँगा। कीर्तन करा दो भाई, आएंगे। आत्मोदेव तस्य नित्य प्राप्ति मुक्ता मंगी करोति बाढ़। माना कि आत्मा की उपासना नित्य प्राप्त है, अनात्मोपासना की निवृत्ति होने पर स्वतः सिद्ध आत्मोपासना की स्फूर्ति होती है। तब प्रश्न उठता है कि आत्मा की उपासना करनी चाहिए, यह जो वचन है शास्त्रों में उपासितव्य के रूप में आत्म तत्व को माना गया है उसका तात्पर्य क्या हो सकता है? यह अभिप्राय तर ही नियम विधि बारहवीं टिप्पणी स्वीकार वचनम, इसको स्वीकार कर लिया तब तस्य नियम विधि वाचोक
युक्ति ही अयुक्ति त्यासंख्याया। इसलिए आत्मा की उपासना करनी चाहिए, जो नियम विधि है या जो वाचोक्ति समान वाचोक्ति वाचोक्ति वाच वाक रूप वचन रूप युक्ति का नाम है वाचोक्ति वाचोयुक्ति वाचोयुक्ति। अयुक्त है ऐसी शंका करने पर उत्तर देते हैं भाष्यकार, यद्यपि 233 पृष्ठ दूसरी पंक्ति, यद्यपि एवं शरीरारंभकस्य कर्मणो नियत फलत्वात् सम्यक् ज्ञान प्राप्तावपि असम अवश्यं भाविनी प्रवृत्तिर वाग्मनक काया नाम। जय हो प्रारब्ध की। वस्तु स्थिति यही है, फिर भी शरीरारंभकस्य कर्मणो नियत फलत्वात्, शरीर के आरंभ करने वाले जो कर्म हैं नियत फल निश्चित फल को देते ही हैं। प्रारब्ध के तीन फल हैं मुख्य योग दर्शन, कौन कौन? जाति आयु और भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म, वो तो हो ही गया। आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि। अब भोग का अर्थ होता है सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति और वस्तु की प्राप्ति, उनके प्राप्ति से सुखानुभूति दुखानुभूति। जाति आयु भोग प्रारब्ध के मुख्य तीन फल हैं, कहाँ लिखा है योगदर्शन में। यह हुआ तरही नियम वाचोक्ति यद्यपि थी, यद्यपि एवं शरीरारंभकस्य कर्मणो नियत फलत्वात् सम्यक् ज्ञाना प्राप्तावपि अवश्यं भाविनी भाविनी प्रवृत्ति वाग्मनः कायानाम। जिनको ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान हो गया, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व के विज्ञान से संपन्न हो गए जो, उनके जीवन में भी प्रारब्ध मूलक ही देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। प्रारब्ध तो ज्ञानी को भी नहीं छोड़ता। लब्ध वृत्ति है कर्मणो बलियस्त्वात्, लब्ध वृत्ति तीसरी टिप्पणी में, लब्ध स्वरूपस लब्ध जो वृत्ति है अर्थात प्रारब्ध जब फल देने के लिए उद्यत हो जाता है, प्रारब्ध फल देना प्रारंभ कर देता है, ऐसा जो प्रारब्ध कर्म है वो बलवान है। मुक्तेश्वरी प्रवृत्तिवत, जैसे अपने हाथ से तीर छोड़ दिया या बंदूक से गोली छूट गई, अब सोच भी करें कि ओहो जिस पर गोली छोड़ दी तीर छोड़ दिया वो तो मारने योग्य नहीं है, अब आपके बस में की बात नहीं। इसी प्रकार जिन कर्मों ने या जिस कर्म ने फल देना प्रारंभ कर दिया वो तो ज्ञानी को भी फल देगा ही। आत्मकृतम विपाकम भोज भागवत में कहा गया, आत्मकृतम विपाकम। ज्ञानी भी हो तो जो पूर्व जन्मों में किया गया शुभाशुभ कर्म उसका जितना अंश फली फल देने के लिए उन्मुख हुआ है ज्ञानियों को भी प्राप्त होगा ही। ऐसे ही तेना पक्षे प्राप्ते ज्ञानम प्रवृत्ते दौर्बल्यस्य, इसलिए पक्ष में प्राप्त जो ज्ञान की प्रवृत्ति है उसकी दुर्बलता भी सिद्ध होती है। नियमेन प्राप्ते प्रारब्धस्य बलियत्वेन, प्रारब्ध बलवान है, प्रारब्ध बलवान होने के कारण ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ता। इसलिए अच्छा है कि जो सुख प्राप्त हो दुख प्राप्त हो, लेकिन एक विचित्र बात है, घटना ही तो घट सकती है प्रारब्ध के आधार पर, उसको सुख या दुख के रूप में हम लें यह तो विवेक के ऊपर निर्भर है या विवेक के ऊपर निर्भर है। इतना तो हुआ ना, क्या सुख घटना घट जाएगी प्रारब्ध के आधार पर, घटना घट जाने पर सुख या दुख, अनुकूल घटना सुख देने में हेतु, प्रतिकूल घटना दुख देने में हेतु है। अब उसमें समचित्त तो ज्ञान के बल पर रह ही सकते हैं, एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन। क्या हुआ,
जाजी एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन का अर्थ क्या होगा? पानी बंद भ जेते ठीक है बढ़िया। हम विद्यालय जाते थे मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल में कलवाही में थे, इंदिरा जी के जो ताऊ जी थे वो कलवाही हाई स्कूल में श्याम सुंदर झा जी संस्कृत के अध्यापक थे, लेकिन मैं मिडिल स्कूल में कलवाही में था, हाई स्कूल में लोहा में चला गया, तो छाते की व्यवस्था नहीं थी। उन दिनों हम लोगों को नहीं कहा जाता गरीब हो, ब्राह्मण हो, तपस्या तुम्हारा कर्तव्य है। दसवीं कक्षा तक चप्पल क्या चीज़ हमको पता ही नहीं चप्पल कुछ नहीं, छाता कुछ नहीं। तो बहन जी ने याद दिलवाया विद्यालय की ओर जा रहे हो, कहीं वर्षा हो जाए तो मंत्र पढ़ना, एल पेन गैल पेन बाटे बिलैल पेन, पानी आया पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया, कोई छायादार वृक्ष या किसी मकान की छाया मिल जाए बचने का प्रयास करना, नहीं तो विद्यालय की ओर भागते जाना। और विद्यालय से आते समय वर्षा हो जाए तो इस मंत्र को जपना, एल पेन गैल पेन बाटे बिलैल पेन, कोई छायेदार वृक्ष बन जाए तो ठीक, नहीं तो घर की ओर दौड़ते हुए इस मंत्र को गाना। इसका मूल क्या है? मात्रा स्पर्शा तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्याष्टाम तिक्षा सुभारता, एलपेन गैलपेन बाटे बिलैलपेन का गीता में मूल स्वरूप है। मात्रा स्पर्शा तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्याष्टाम तिक्षा सुभारता, यह भी नहीं रहेगा यह भी नहीं रहेगा यह भी नहीं रहेगा। हो गया फलाभाव इति न्याय न तासाम असंभवात आत्मस्मृति संतति रे पुनः सदा स्यात् प्रकारांतर योगात इति सिद्धांतिनो तत्वात् आत्मोपासना से पक्षे प्राप्ति तस्य नित्य प्राप्ति मुक्ता मंगी करोति। मान लिया कि आत्मा की जो उपासना है नित्य ही प्राप्त है, लेकिन जब कर्म का फल प्राप्त होता है, अनात्म वस्तु का चिंतन होता है, उस समय जब अनात्मा कार्यवृत्ति बन जाती है तब तो आत्मस्मृति नित्य प्राप्त होने पर भी आवृत सी हो जाती है। हाँ सिर्फ घटना के घटना की उसकी सीमा है, सुख दुख में पहुँच नहीं है। सुख और दुख देने योग्य परिस्थिति ही तो प्रारब्ध उत्पन्न कर सकता है ना, क्या अब उसको सुख रूप में लें दुख रूप में लें तो विवेकी के ऊपर निर्भर है, लेकिन अब बिच्छू काट ले तो हाँ इसी के में बिच्छू काटते रहते थे, बहुत उधर बिच्छू थे, बिच्छू काट ले सर्प काट ले तो सुख दुख भी होता ही है, पेट में दर्द हो तो, लेकिन तम तितिक्षा स्व भारत यह है या तितिक्षा तो विवेक पर निर्भर है। ताम तितिक्षा स्व भारत मात्रा स्पर्शा तो कौनते य शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्या अनित्या ताम तितिक्षा स्व भारत, यह भी नहीं रहेगा यह भी नहीं रहेगा। इस तस्य नित्य प्राप्ति हो गया तरी नियम विधि वाचो युक्ति अयुक्ति इत्याशंका है। 12वीं टिप्पणी, ऐसा अगर आप कहते हैं तो नियम विधि आत्मा की उपासना कर इस प्रकार का जो नियम है या तो व्यर्थ गया। अगर आत्मा की उपासना या आत्मा की स्मृति, जिसकी उपासना करते हैं उसकी स्मृति होती है, अगर कर्तव्य नहीं है तो नियम विधि व्यर्थ है, फिर तो अनात्म वस्तु की स्मृति का अपनोदन ही पर्याप्त है, आत्मस्मृति तो साक्षात सिद्ध ही है। आत्मनित्या परोक्ष संविदेकता ने स्मरणम विस्मरणम वा यद्यपि नोपपद्यते, बहुत बढ़िया। आत्म जो है आत्म तत्व आत्मा में नित्य परोक्ष संवित, संवित माने ज्ञान, संविदेशा स्वयं प्रभा, संवित पात्र आते हैं ना तो मैं जब कहता हूँ कि पंचदशी में आपके नाम की व्याख्या है बहुत प्रसन्न हो जाते, पंचदशी वेदांत का ग्रंथ है। संविद ऐसा स्वयं प्रभा, ऐसा संविद स्वयं प्रभा, संविद माने ज्ञान।
तो फिर क्या हुआ, आत्मनित्य अपरोक्ष संभत संवित एकता ने स्मरणम स्मरणम वा यद्यपनोपद्यते। आत्मा तो नित्य अपरोक्ष ज्ञान रूप ही है, उसके जो संबत संवित है, उसके जो उसका जो ज्ञान है वो तो एकतान है, एक रस है। स्मरण सापेक्ष या विस्मरण सापेक्ष नहीं है, स्मरण हो तो विस्मरण हो तो, जैसे कल्पना कीजिए कि अभी माला हम पहने हैं, स्मरण हो तो विस्मरण हो तो, माला तो कंठ में है ही, कंठावरणवत स्मृति विस्मृति सापेक्ष नहीं है। ऐसा शरीर का स्मरण हो तो शरीर है, शरीर का विस्मरण हो तो शरीर है, शरीर तो शरीर ही है। इसी प्रकार आत्मन नित्य अपरोक्ष संविदेक ताने ताने स्मरणम विस्मरणम वा यद्यपनोपपद्यते तथापि तस्य तयोस्तस्मिन् अनुभव सिद्धत्वान् नियम विदेह सावकाशम इत्या सयना शरीरे थी। इस पर का भाष्यकार ने शरीरारंभकस्य कर्मणो नियत फलत्वात् सम्यक् ज्ञानं प्राप्तावपि असंभावेन अवश्यं भावनी प्रवृत्ति ही वाग्मन कायानां लब्ध वृद्धेः वृत्तेः कर्मणो बलियस्त्वान् मुक्तेस्वादि प्रवृत्तिवत्। जैसे तीर को छोड़ दिया तो छोड़े दिया, वो अपने हाथ में नहीं, लक्ष्य तक तो पहुँचेगा ही। तेन पक्षे प्राप्ति ज्ञान प्रवृत्ति दौर्बल्यम। इस प्रकार से तत्व ज्ञान होने पर भी अगर क्लिष्ट प्रारब्ध ने फल देना प्रारंभ कर दिया तो प्रारब्ध बलवान हो जाएगा, ज्ञान को थोड़ी देर के लिए दबा ही देगा पर नष्ट नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान एक बार हो गया तो स्मृति विस्मृति सापेक्ष नहीं रहेगा, लेकिन प्रबल यातना प्रतिकूल प्रारब्ध हो तो ज्ञान को दुर्बल कर देगा, मने दबा देगा। यह तस्मात् त्याग वैराग्यादि साधन बलावलंबन आत्मविज्ञान स्मृति संतति नियतव्या भवति। जबकि बात ऐसी है इसलिए क्या करने चाहिए, ये भाष्य था ना, आनंदगरी हो रही थी, आनंदगरी की टीका हो रही थी। अथारब्ध फलस्यापि कर्मण सम्यक् ज्ञानान् निवृत्तेर्न विदुषो वागादीनां प्रवृत्ति इत्यतः लभ्यते। यथा मुक्तस्य सुपाषाणादे अप्रतिबंधे, चाहे तीर का निक्षेप कर दे, चाहे पत्थर के टुकड़े आदि को फेंक दे कोई व्यक्ति, या वद्वेगम प्रवृत्ति, जिस उसमें जितना बल और वेग भर दिया उतने समय तक तो उतनी दूर तक तो तीर जाएगा ही, पाषाण का टुकड़ा जाएगा ही, ढेला जाएगा ही। अवश्यम भावनी तथा प्रवृत्ति फलस्य कर्मणो ज्ञानिनो ज्ञाने न उपजीव्यतया ततो बलवत्वात् तद्वशाद् विदुषोपि यावद् भोगम वागादि प्रवृत्ति ही द्रव्यम। तत्वज्ञान भले ही हो गया लेकिन विद्वान के जीवन में भी प्रतिकूल या अनुकूल प्रारब्ध जब फलीभूत होता है तो विद्वान को भी तद अनुकूल फल की प्राप्ति होती है, संगम वियोग बना रहता है, कभी सुख कभी दुख की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञानोत्तर भी प्रारब्ध का क्षय नहीं होता। उस पर भी है बहुत शास्त्रार्थ परोक्षानुभूति में, जन्म न होता तो कर्म कहाँ से होता, कर्म न होता तो कर्म का एक भाग प्रारब्ध कहाँ से होता। और आत्मतत्व तो अजय है अविक्री है, आत्मतत्व तो अजय है और अविक्री है। इसका मतलब क्या हुआ, जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म, जन्म और कर्म की अनादि परंपरा है, जबकि आत्मतत्व तो अजय और अविक्री है। तत्वतः आत्मा का न जन्म है न कर्म है, लेकिन प्रातिभाषिक प्रातितिक धरातल पर जन्म भी है कर्म भी है। यह अर्थ हुआ मुक्त हो गया, कर्मणो ज्ञानेन उपजीव्यतया ततो बलवत्। अब यह एक विचित्र बात है, अगर कर्म उत्तम न होता तो मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होता, ब्राह्मण आदि का शरीर कैसे प्राप्त होता, तत्व ज्ञान भी कैसे प्राप्त होता। तत्व ज्ञान में सबकी प्रीति प्रवृत्ति तो नहीं होती ना,
जवानी जमा खर्च से क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं चिंतामन शर्मा इतना घटपट घटपट करते रहते हैं, इससे होता क्या है। चिंतामन शर्मा तो सहज रंग, जब आओ तब आप घटपट घटपट करते रहते। वो जज स्वामी जो थे, आधुनिक पढ़े लिखे व्यक्ति कुछ न कुछ नास्तिक जैसे ही रहते हैं, आधुनिक पढ़े लिखे विद्या का प्रभाव पड़ता ही है। वो कहते हैं ऋषियों को जो है घटपट के अलावा कुछ था ही नहीं, रॉकेट का उदाहरण नहीं देते, वायुयान आदि का, जहाँ देखो घटपट, देखो शब्द में घटपट घटपट घटपट, हमने कहा झटपट समझ में आता है। अरे राष्ट्रपति के यहाँ भी सुराही में पानी मिलेगा गर्मी में, घट और पट वस्त्र तो पहनेगा, घटपट झटपट समझ में आता है। इस रॉकेट कंप्यूटर ये तब मोबाइल के युग में भी रॉकेट का उदाहरण दें और कंप्यूटर आदि का सब कहाँ समझ पाएंगे, झटपट समझ में आ जाए, इसलिए घटपट की बात है खटपट की बात नहीं है। वो कहते हैं आप वकील तो बनेंगे ही ना, शास्त्रों संतों को पुराने आचार्यों को घटपट के अलावा कुछ आते ही नहीं था। या कहा यथा मुक्त तस्य सुपाषाणादेह अप्रतिबंध है यावद वेगम प्रवृत्ति, अगर कोई प्रतिबंध ना हो तो टकरा गया किसी पे फेंका वो क्या है टकरा गया, वृक्ष से टकरा गया तो लक्ष्य तक नहीं जाएगा, प्रतिबंध नहीं है तो जितना बल और वेग है उतने दूर तक जाएगा ही। भगवान राम भी विनोदी थे, दंडा पकड़ा दिया पंडित जी जोर से फेंकिए, जहाँ तक ये डंडा जाएगा वहाँ तक की संपत्ति आपकी, वाल्मीकि राम वहाँ तक की संपत्ति आपकी। ऐसे यथा मुक्त से सुपाषाण आदेह अप्रतिबंध है यावद वेगम, एक हमारे मित्र थे जीवच नदी गांव में आ रहा था, मित्र थे भूतपूर्व, चाकू लेकर यहाँ आ गया जंगल में भोंकने के लिए, छुरा लेकिन सफल नहीं हुआ। अब वो जो होता है ना एक होली जलाते हैं ना, तो एक मैदान में पुलिया के पास वो सब थे अराजक तत्व, सब होली जलाने का। अब वो यहाँ तक तो ले आया परंतु तो उसका हाथ अपने आप कुछ विचित्र स्थिति हो गई। अब हमने कहा तुमने तो मार नहीं पाया, अब देखो क्या होता है। अब मैं पीछे गया एक पुलिया पे जाके बैठ गया, वो सब 25-30 युवक थे, एक घंटे तक ढेला फेंकते रहे, मेरे पास एक ढेला नहीं पहुंचा, कोई यहाँ जाए कोई यहाँ जाए, हमने कहा और मार के देखो, सबने कहा थक गए, हमने चलता। ऐसे ही तो प्रतिबंध ना हो तो यावद वेगम प्रवृत्ति अवश्यम भावनी तथा प्रवृत्ति फलस्य कर्मणो ज्ञानिनो पजीव्यतया ततो बलवत्वात् तद्वशात् विदुषोपि यावद् भोगम बागादि प्रवृत्ति द्रव्यम। अगर प्रारब्ध अनुकूल न होता तो ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई, आ भी जाए तो नींद जरूर आ जाए, ना आवे तो और अच्छा। इधर सबकी प्रीति प्रवृत्ति कहाँ होती है, नहीं होती। और तीर्थों में तो प्रायः ईश्वर के नाम पे नास्तिकता ही पलती है। क्रांति कहाँ से चलती है, दो जगह से, राजधानी से और तीर्थ से। इन दोनों जगह से क्रांति चलाना बहुत कठिन, लहर तो राजधानी से चलेगी केंद्रीय या प्रांतीय, और तीर्थों से। तीर्थों में क्या होता है, तीर्थ ईश्वर के नाम पे नास्तिकता खूब पलती है, और राजधानी में रिक्शा चालक भी अपने आप को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राज्यपाल राजपद से कम नहीं समझता है। इन दोनों जगह सफल होना बहुत कठिन, लेकिन क्रांति की लहर चलती है तो यहीं से चलती है। इसलिए अब पूरी के व्यक्ति कितने इससे लाभ उठाते हैं, पाठ कुछ प्राय होते नहीं, काशी में आ जाते लोग क्यों, क्षेत्रीय बुलाने पर सही, अपने तरफ से। तीर्थों में नास्तिकता खूब पलती है, ये सब में किसी की प्रवृत्ति नहीं होती। कुछ गुरुदेव जैसे विद्वान बोलते थे
सामान्य श्रोता ही आते थे, पंडितों में शायद ही कोई आ जाए, प्रशंसक सब थे, प्रशंसक सब थे, लेकिन शायद ही कोई पंडित आ जाए सुनने, ना कभी पंडितों का स्वभाव ही नहीं होता प्रवचन आदि सुनने, व्याकरण आचार्य न्यायाचार्य अपने को किसी से कम नहीं मान, उधर कलेक्टर इत्यादि हो गए अवकाश प्राप्त होने पर, मरना हो तो अपने को VIP समझ ले, क्या जिसने अपने को VIP समझ लिया उसके जीवन का उत्कर्ष का समापन हो गया, हो गया उपजीव्यतया, ज्ञानिनोपजीव्यतया, उपजीव्य माने हेतु, शरीर द्वारा आश्रयणीयतया, क्योंकि अनुकूल प्रारब्ध न होता तो मनुष्य शरीर कैसे मिलता, मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग भजन में प्रीति प्रवृत्ति कैसे होती, प्रारब्ध की कृपा तो है। आरब्ध कर्म प्रबल्य फलित माह, प्रारब्ध कर्म प्रबल होता है, ज्ञान को भी दबा देने में समर्थ होता है, ज्ञान में हेतु भी होता है। लेकिन पंचदशीकार विद्यारण स्वामी ने क्या कहा, प्रारब्ध को क्या होता है, प्रारब्ध को नया बल प्राप्त नहीं होता, पौरुष को नया बल प्राप्त होता, प्रारब्ध को तो पुराना ही बल प्राप्त है, पौरुष को नया बल प्राप्त होता है रस्साकसी। अगर प्रारब्ध प्रतिकूल है तो खूब प्रयास करें प्रारब्ध को दबाने का, अगर प्रारब्ध प्रबल हुआ तो विजयी हो जाएगा, पौरुष प्रबल हुआ तो पौरुष विजयी हो जाएगा। प्रारब्ध को नया बल नहीं होता, पौरुष को नया बल होता है, लेकिन प्रारब्ध के कारण ही हमको जीवन में मिला है। प्रारब्ध का फल तो ध्रुव है, ध्रव्यम, आरब्ध कर्म प्राबल्य फलितम अह, आरब्ध से कर्मणो यथोक्तेन न्यायेन प्राबल्य तद्वशात् क्षुधादि दोषो यदोद्भवति तदात्मनि विस्मरणादि संभवात्। प्रारब्ध के कारण अगर भूख लग जाए, प्यास लग जाए, क्षुधादि दोष, ये सब दोष हैं, ये दोष ना हो तो भी दोष, क्या ये ऐसे दोष हैं, भूख न लगना भी दोष है या नहीं, भूख लगना अपने आप में दोष है, भूखा ही बंद हो जाए तो क्या होगा, प्यास लगना अपने आप में दोष है, लेकिन प्यास ही न लगे तो क्या होगा, वो भी दोष है। ये दोष ऐसे हैं कि इनका न लगना भी दोष है, विचित्र दोष है, मंदाग्नि हो जाए तो भूखे न लगे, प्यासे न लगे, इसलिए ये दोष ऐसे हैं, क्या ये दोष ऐसे हैं कि इनका न लगना भी एक दोष है। यदोद्भवति तदात्मनि विस्मरण, तो जब प्रबल भूख लग जाए, प्यास लग जाए तो अब फिर क्या होगा, ज्ञान दब जाएगा, नष्ट तो नहीं होगा, ज्ञान दब जाएगा, ऐसा भूखे भजन हो बुआला गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, यह विस्मरण आदि संभवात ज्ञान प्राप्ते है पाक्षिकत्वात् अवश्यम भाविक कर्मापेक्षया दौर्बल्यम सत्यर्थ। पाक्षिक है वो ज्ञान जो हो जाता है, प्रबल प्रतिकूल प्रारब्ध के आगे दब जाता है, इस प्रकार से प्रारब्ध भी अपना प्रभाव डालता है लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता, इसलिए देहत्याग के बाद विदेह केवल स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। काल के पाठ पर कोई प्रश्न हो पूछ सकता है।